अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे देगी बीफ बिरयानी और इसे बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल पे बनाएंगे। उसी तरह का रंग, उसी तरह का जायका, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, अगर बिरयानी आप साथ साथ बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम तो ये करें कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे साथ के साथ नोट कर लें और उनको उसी सीक्वेंस में रख लें जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ताकि फिर आपको वो चीज़ें ढूंढने में और कलेक्ट करने में टाइम ना लगे, दुश्वारी ना हो। 1 किलो के करीब हमने ये गोश्त ले लिया है, गाय का गोश्त है, हड्डी वाला। उसके साथ ये 1 पाव के करीब हमने टमाटर ले लिए हैं। 3 गिलास के करीब हमारा पानी है, 3 से 4 गिलास आप पानी रख लीजिए। और उसके साथ जो आपको मसाले नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 1 चमचा हरा धनिया का पाउडर है, 1 खाने का चमचा जो है वो ज़ीरा है, यहाँ पर साबित इलायची भी डाली जाती है हरी, 3 से 4, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने पाउडर उसका डाल दिया है। 1 खाने का चमचा नमक है, इसके अलावा 4 से 5 लौंग हैं और आपका दालचीनी के टुकड़े हैं 3 से 4, 1 खाने का चमचा लाल मिर्च है, हल्दी आधा चाय का चमचा है, आधा खाने का चमचा जो है वो आपका हरी मिर्च का पेस्ट है, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चमचा है, और ये कड़ी पत्ते हैं आपके 6 से 7 के करीब, 8 से 10 के करीब आपकी काली मिर्चें हैं, जायफल के 2 छोटे छोटे टुकड़े आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये पीस आपने डाल देने हैं। जवित्री के 2 टुकड़े आपको यहाँ पर नज़र आने, वो आपने इसमें साबित डाल देने, और बादियान का आपका 1 फूल आपने इसके साथ डाल देना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अभी हमने यहाँ पर देखी हैं, ये आप अपने पहले फेज़ के लिए एक तरफ करके रख दें। फर्स्ट फेज़ में हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। सेकंड फेज़ में आपने 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरीके से काट के उसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है और वो आपने करके रख लेना है। फेज़ में आपने दही ले लेना है, इसमें आपके पास 1/4 इलायची का पाउडर हमने ले लिया है। उसके साथ आपके पास ये ज़ीरा पिसा हुआ है 1/4 टीस्पून, फिर आपके पास 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर है ये वाला, और उसके साथ ये जवेत्री का पाउडर है, ये भी आपका 1/2 टीस्पून है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ पर जर्दे का रंग ले लिया है, कलर ले लिया है। ये इस बिरयानी की ख़ास बात होती है, बहुत अच्छा कलर इसमें आता है, तो इसमें कलर की क्वांटिटी हम थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। इनको हमें थर्ड फेज़ में मिलाना है आपस में और दही का पेस्ट तैयार। चौथे फेज़ के इंग्रेडिएंट्स हैं 1 पाव टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं, 3 से 4 लेमन्स हमने काट लिए हैं, 1 गड्डी हरे धनिया और पुदीने की हमने काट ली है, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर और आपका मिंट हमारे पास होना चाहिए। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, बाज़ लोग कम खाते हैं, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखता हूँ, 1 गड्डी तकरीबन इसमें दोनों चीज़ों की। और फिफ्थ फेज़ के लिए आपके पास राइस हैं। ये राइस हमने चावल की क्वांटिटी जो हमने ली है वो अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से ली है, तो वो 1 किलो के करीब है, तो ये 1 किलो से थोड़ा सा कम 800-900 ग्राम के करीब चावल हमने ले लिया है। 3 कप चावल है बेसिकली ये, जो हमने यहाँ पर बासमती राइस ले लिया है। बासमती राइस के साथ हमारे पास ये कोई 1 प्याली से थोड़ा सा कम तेल हमने ले लिया है, और इसके साथ ही हमने ये मसाले ले लिए हैं। अगेन इसमें इलायची का पाउडर है, इसमें आपके पास थोड़ी सी लाल मिर्च है, इसमें आपका जायफल है, जवित्री है आधा चमचा, और इसमें आपके पास थोड़ा सा ज़ीरा है, आधे चमचे से थोड़ा सा कम है ये, और आपके पास आधा चमचा चाय का इसमें नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एंड में मिक्स करके, और जो आपके थर्ड फेज़ में आपने सालन बनाना है उसके ऊपर से ये डालनी है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, अब एक नज़र और डाल लीजिए एंड से स्टार्ट तक। ये मसाले हमने यहाँ पर तैयार करके सारे रख दिए हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है, इसी के अंदर हम प्याज तलेंगे अपनी। ये वो तेल नहीं है जो हमने आपको दिखाया था, प्याज के लिए आप अलग से तेल ले लीजिएगा, ज़्यादा तेल आपको लेना पड़ेगा, और इसमें से प्याज आप निथार लेंगे गोल्डन कलर। तेल हमारा कड़कड़ा गया है, अब इसमें हम जो हमने प्याज काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन हमने कर लेना है। एक तरफ हमारा तेल चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ अब हम ये जो हमारा गोश्त है, ये जो मसाले हमने फर्स्ट फेज के लिए निकाल के रखे थे और टमाटर जो हमने 3 काट के रखे हैं, ये हम तीनों चीज़ें अब शामिल कर देंगे। मसाले चले जाएंगे इसके अंदर। फाइनली टमाटर चले जाएंगे। अब इसको हम थोड़ी सी तेज़ आंच के ऊपर थोड़ा सा इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे और उसमें जो 3 गिलास हमने पानी निकाल के रखा हुआ है वो डाल। 2-3 मिनट हो गए हैं इसको। इसमें अब जो 3 कप पानी हमने निकाल के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, 2 कप, और ये हो गया 3 कप। इस वक्त ये तेज़ आँच पर है और इसी तेज़ आँच पर मैंने इसको कुकर के ढक्कन को बंद कर देना और इसको जो है वो 6 से 8 सीटी तक वेट करना। अच्छा जी, सेकंड स्टेज के अंदर अब जो है वो हमारे पास जो हमने दही के लिए मसाले निकाले में 1 प्याली दही हमारे पास है, उसके अलावा फूड कलर हमारे पास ये आधा चमचे से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा चमचा हमारे पास जायफल है, आधा चमचा हमारे पास चाय का जवित्री है और 1/4 हमारे पास ज़ीरा पिसा हुआ है और 1/4 हमारे पास टीस्पून जो है वो हरी इलायची पिसी हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं दही के अंदर। इसको अपने आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। अच्छा, चावल से मुताल्लिक़ एक चीज़ जो इंग्रेडिएंट्स बताते वक्त हम नहीं बता पाए थे वो ये है कि इसमें एक तो जब आप इसको बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे तो 2 से 3 गुना इसमें पानी होना चाहिए और उसके साथ आप इसमें नमक डालेंगे। नमक 2 चमचे नमक हम इसमें डाल रहे हैं। ऑलमोस्ट ये 800 ग्राम्स के करीब चावल हैं। 2 खाने के चमचे हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और 2-3 पत्ते जो है वो हम तेज़पात के इसमें डाल देंगे, उनसे जायका इसका और खुल जाता है। प्याज हमारी इस वक्त गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और इसी कलर में आपने इसको निकालना है, ज़्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। 8 सीटी के बाद हमने ये ढक्कन खोल दिया इसका और गोश्त बिल्कुल फर्स्ट क्लास 80 से 90% गल चुका है, थोड़ा सा इसमें रह गया, वो अभी हमारा दम पे गल जाएगा। चावल के जैसा हमने पहले बताया था कि पूरे नहीं गलाने हमने। इस वक्त चावल जो है इसमें 2 कनी तकरीबन रह गई है। 70-75% चावल हो चुका है। इसको बस इसी कंडीशन में हमने निथार लेना है। अच्छा, अब इसको हमने 80-90% के ऊपर गोश्त को निकाल लिया है। ऑप्शनल हैं आलू जो हम लोग शौक से डालते हैं, आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आपको अच्छे लगते हैं नहीं। तो यहाँ पर 2 आलू मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब 10 मिनट इसको हम ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो बाकी सामान मिलाएंगे। अच्छा जी, ये 10 मिनट हमने इसको पका लिया है आलूओं को इसके साथ। आलू अभी कच्चे हैं, गोश्त भी इस वक्त पूरी तरीके से नहीं गला हुआ है, 90% गला हुआ है। अब इसको हम दम पे पकाएंगे। तो जो चीज़ें हमने निकाल के रखी हैं पहले से, इसको पहले तो आप साइड में कर दें, थोड़ा पानी को बीच में रहने दें और ये सारी चीज़ें साइड पे कर दें। और इसके साथ जो हमने हरा मसाला निकाला था, 2 चीज़ें मेन इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं आपके। एक तो ये पुदीना है, आधी से गड्डी से थोड़ा सा ज़्यादा, और तकरीबन आधी गड्डी जो है वो आपके पास हरा धनिया है, जो आपने दोनों साइडों पे इस तरीके से लगा देना है। इसके ऊपर से आपने इसमें जो आपने ये लेमन के पीसेस काटे थे, 3 लेमन्स के, वो आपने लगा देने हैं। और फिर जो आपने टमाटर के पीसेस काटे थे, 1 पाव टमाटर हमने इसमें काट के डाले थे, वो आ जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद जो है वो जो हमने गरम मसाला अलग से निकाल के रखा हुआ है, थोड़ा सा छिड़कने के लिए इसके ऊपर, जिसमें आप ये देख सकते हैं इसमें इलायची का थोड़ा सा पाउडर है, इसमें ज़ीरा पाउडर है, इसमें थोड़ी सी मिर्ची है, इसमें जायफल है, थोड़ा सा जवित्री है और थोड़ा सा नमक है। ये तीनों चीज़ें आधा चाय का चमचा है, चारों चीज़ें, और ये 2 चीज़ें जो हैं वो 1/4 टीस्पून है। ये सब हम इसमें ऊपर से मिक्स करके डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं और मिक्स करने के बाद हम इनको इस तरीके से ये डालते चले जाएंगे। ये सारा हमारा मसाला इसके ऊपर आ गया और फाइनली हमारे पास जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है दही का, इसके इंग्रेडिएंट्स हमने आपको पहले बता दिए थे। ये इसको हम ऐसे इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरीके से बाद जो प्याज हमने बना के रखी हुई है, ये प्याज हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। थोड़ी सी प्याज जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रखूँगा, जो बिरयानी जब निकलेगी तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी प्याज रखूँगा, बाकी मैंने इसमें सारी प्याज डाल दी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। चावल को आप अच्छी तरीके से फैला दीजिए। चावल भी जो है वो फुल कुक नहीं है, 75% इस वक्त कुकड हैं ये, और इसको 2-3 मिनट हम पहले पकने देते हैं। उसके बाद जो है वो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऊपर, 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा हमने केवड़े का पानी बना लिया है। 2 चमचे इसमें केवड़ा है, पानी है थोड़ा सा, वो इसके ऊपर हमने फैला दिया है। और 1 कप हमने तेल निकाल के रखा था, वो हम इसमें इस तरीके से फैला देंगे। ये फैलाने के बाद अब हम इसको ढक्कन बंद करके रख देंगे 15 मिनट के लिए, और ये 15 मिनट के बाद आपको दिखा और नाज़रीन, ये गर्मा गर्म बीफ बिरयानी आपकी सर्विंग के लिए रेडी है। और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, थोड़ा सा हमने इसमें फ्रेश ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, और ज़बरदस्त इसका मसाला हो गया है और खुशबू भी इसकी शानदार आ रही है।